जीरो फिल्म के पांचवें दिन कमाई में देखने को मिली एक बड़ी उछाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। जीरो फिल्म सिनेमाघरों में 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी और ये फिल्म को रिलीज हुए आज 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। बता दूं कि जीरो फिल्मों को लेकर क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था, जब कई सारे क्रिटिक्स ने ये फिल्मों को पसंद किया तो कई सारे क्रिटिक्स ने ये फिल्मों को नकार दिया था। बता दूं कि ये फिल्मों में शाहरुख खान ने एक बोने का किरदार निभाया है, जो उनके ये कैरेक्टर का नाम है बौआ सिंह और ये कैरेक्टर उनका काफी फनी और इंटरेस्टिंग है। अनुष्का शर्मा ने भी ये फिल्मों में एक अपाइज लड़की का किरदार निभाया है जिनका नाम है आफिया, जिनको साइंटिस्ट दिखाया गया है और अनुष्का का ये रोल काफी चैलेंजिंग था। कटरीना कैफ ने ये फिल्मों में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का किरदार निभाया है जिनका नाम है बबीता कुमारी, यानी कि ये फिल्मों में हर कैरेक्टर का काफी डिफरेंट रोल दिया गया है। अब बात करते हैं ये फिल्म के कलेक्शन की, तो बता दूं कि ये फिल्म ने पहले 4 दिन में 64.1 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि 64.10 करोड़। और आज है क्रिसमस, तो जाहिर सी बात है कि जीरो फिल्म कलेक्शन के मामले में एक बड़ी उछाल लेने वाली थी। जो अगर कल का कलेक्शन देखा जाए तो ये फिल्म ने 40% की उछाल लगाई है। जो ट्रेड एक्सपर्ट के अनुसार ये फिल्म आज के दिन 13 से 15 करोड़ के बीच कलेक्शन करेगी, जो कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जो इस कलेक्शन से साफ मालूम होता है कि जीरो फिल्म ने क्रिसमस पर एक बड़ी उछाल ली है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म आने वाले दिनों में कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म का न्यू ईयर में कैसा कलेक्शन रहता है। फिलहाल ये फिल्म ने 5 दिन में 70 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे जीरो फिल्म के कलेक्शन को लेकर और आपको कैसी लगी थी ये फिल्म, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।